सो हेलो एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइस आज आए हैं एक एक्टर जिसको मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी, जो कि अंकल हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं। वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, हर चीज़ में बुलबुले में भी आ चुके हैं। आज मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ। नदीम जाफरी, सही हूँ, ठीक हूँ। आप एक्टर हैं? मैं एक्टर भी हूँ। आप कहाँ कहाँ काम करते, किस मतलब क्या? मैं फिल्मों में भी काम करता हूँ, ड्रामों में भी काम करता हूँ, मगर क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं गानों के वीडियोस में भी नजर आता हूँ। अच्छा, कौन से गाने गाते हैं आप? मैं अच्छे अच्छे गाने गाता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन से? सारे। तुम गाना बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा ये मेरा गाया हुआ। कौन सा बताओ? तुम मुझे गाना बताओ। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। बोलो। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। ये मेरा गाना है। आपका गाना है? मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। और आप क्या क्या करते हैं? और मैं क्या करता हूँ, मैं सुलगता हूँ, ब्रश करता हूँ, काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, घूमता हूँ, खेलता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और फोन पर बहुत सारे काम करता हूँ और भी बहुत कुछ करता हूँ। आप एक्टर बने कैसे? मैं ऐसे। कैसे? ऐसे। मैं एक्टर कैसे बना? देखो, मैं हूँ सिंगर, असल में मैं हूँ कंपोजर, म्यूजिशियन, सिंगर। एक्टिंग मैंने बाद में शुरू की, तो पहले मैं इस आर्ट से इंट्रोड्यूस हुआ। मुझे पता लगा मैं म्यूजिक बजा सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक्टिंग शुरू की। जब वीडियो बने तो पता लगा कि अच्छा, इसमें एक्टिंग भी करनी होती है। जब मैं छोटा था, तुम्हारे जितना नहीं, तुमसे बड़ा था। अच्छा। आई वाज 15 ईयर ओल्ड, 15 साल का था मैं जब मुझे पता लगा कि मैं तो सिंगर हूँ। अच्छा, और कौन सी मूवी में आए हुए हैं? मैं मूवी में आया हुआ हूँ रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? क्यों मतलब तुम अपनी पब्लिसिटी मुझसे कर रहे हो इसलिए? मैं तो वीडियो बना के अंदर भाग जाऊंगी। हाँ, तुम वीडियो बना के अंदर भाग जाओगे ना, और मैं तो 5 लाख रुपए लेता हूँ उस काम के। इंटरव्यू के 5 लाख? जी क्यों, किस बात के इंटरव्यू? क्यों नहीं तुम जब बड़े होके पढ़ लिख के ऑफिस जाओगे तो अपने काम के पैसे कमाओगे ना। हाँ, तो ये मेरा काम है। बात तो सही है। आपका इंटरव्यू का काम है? जी, इंटरव्यू का भी काम है मेरा। इंटरव्यू का अलग ऑफिस है मेरा। वहां पर मैं इंटरव्यू बेचता हूँ। हमारे अंकल है तो हम पैसे क्यों दें? हमारे अंकल नहीं है, भाई है। नदीम भाई। उनके पापा तुम्हारे अब्बू अंकल लगते हैं, इसमें मेरे क्या कसूर है? दिखाओ जरा अंकल को। अंकल दिखाओ। हाँ तो बे बड़ा भाई ना। इनको भाई बार बार लगवा लेंगे तो ये भी अंकल ही लगेंगे। ये सब लगाना बेटे, एडिट किया ना अगर तो मैं सोच लो फिर गड़बड़ होगी। मैं पूरा एडिट ही करता हूँ। और तुम अपनी मर्जी की बातें लगाओ। जी है ना जी, बहुत तेज हो भाई तुम। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या, कैसे तुम कैसे इंटरव्यू कर रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा और प्रोफेशनल होना पड़ेगा। एक तो तुम्हारी शक्ल बिल्ली जैसी है, ऊपर से तुम छुए की तरह पकड़े गए फोन। मैं इंटरव्यू थोड़ी शक्ल दिख रही। मैं इंटरव्यू थोड़ी लेता हूँ। फिर क्या लेते हो? मैं तो व्लॉगिंग करता हूँ। मुझे वो बताओ जो तुम ले रहे हो आजकल, रिश्वत ले रहे हो क्या? नहीं। फिर? मैं व्लॉगिंग करता हूँ। व्लॉगिंग करते हो? अच्छा, शादी हो गई तुम्हारी? कहाँ से अभी? कहाँ से मतलब कहाँ से करते हो अभी शादी? नहीं तो अभी थोड़ी हुई है। नहीं हुई? नहीं। फिर तुम कैसे व्लॉग करो? शादी ही नहीं हुई।
तो मैं अभी से ब्लॉगर बन गया। अच्छा तुम इस चक्कर में होगे, तुम व्लॉगर बनोगे तो तुम्हारी शादी हो जाए। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके 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 इस चक्कर में नहीं, इसी चक्कर में हो तुम्हारी आंखों से बेटे, समझ गया हूं मैं। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? शाजिल वाईटी। शाजिल वाईटी। अब बेटे तुम भी तो आओ टीवी में, तुम्हारे टीवी में। हम तो टीवी बोलते हैं क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तो उस वक्त फोन पे ये सब कुछ नहीं होता था, टीवी होता था। तुम्हारा नाम है शाजिल, मैं केबल पे नहीं आगे भी आता था, मेंटेनर पे भी आता था, केबल पे भी आता था, वीसीआर की टेप में भी आता था, मैं हर जगह जा रहता था। उस जमाने में यही चीजें चलती थी। तुम्हारे पे बैठ गया, मैंने देखा है इनका, ये झाड़ू पे भी उड़ते हैं, ये झाड़ू पे उड़ते हुए आते हैं इधर उधर। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? शाजिल। चैनल का नाम वाहिदी। वाईटी क्या है? ये YouTube को शॉर्ट फॉर्म YouTube। ओह वाईटी, मैं तो ये भी लग रहा है आप कह रहे हैं वाईटी टी क्यू वाईटी। और नरीवन कल ने पाकिस्तानी मूवी में काम किया था ना? अभी बताया मैंने रॉन्ग नंबर में। अब बुलबुले शो में अभी रिसेंटली आए थे, बुलबुले शो में आए थे। बुलबुले में आप मुख्तलिफ जगह एक्टिंग करते थे? बहुत सारे वो तो पुराने, तो खैर बहुत एक्टिंग अभी जो रिसेंटली थे। मतलब फेवरेट वहाँ पर्सन कौन है जिसके एक्टिंग करने में मजा आया आपको? जैसे बुलबुले, हाँ जैसे नबील, या नबील नबील बड़ी अच्छी सटल एक्टिंग करता है, अच्छे हैं उसके अंदर, अच्छे हैं सब, अच्छे हैं वो। बड़ा कोई ये कैसे बताऊं भाई, नबील अच्छा है, हिना दिल पजीर अच्छी है, मोमो महमूद साहब अच्छे हैं, खूबसूरत भी अच्छी है, पुलिस वाले भाई आते हैं उनके नाम ही खूबसूरत होते हैं, ऐसी बात है। तुम्हारा नाम बिल्ली रखते हैं लाइटें बंद कर दी चचा, कसम खुदा की बच्चों का इंटरव्यू खराब कर रहे। पंखा अब्बा, पंखा है जो। अरे अब्बा क्या कर रहे हो, मुझे बटन खुल गया है, सारे बटन उल्टे पुल्टे कर दिए। पंखे का बटन टूट रहा है, कौन सा हो गया? ये दोस्तों ये हमारे ऑफिस में है और ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, दिल के करीब तरीन दोस्तों में से प्यारे तरीन इंसान है। मैं इनके घर आया हुआ और ये इनके बच्चे, मैं मस्ती मजाक कर रहा हूँ ताकि इनका जो क्या बोलते हैं उसे वीलॉग अच्छा बन रहा है। इसका नाम हो जाइए बिल्ली वीलॉग। बिल्ली भी आ गई, बिल्ली भी आ गई। भाई बिल्ली का नाम क्या? अभी काट के कैस्पर। कैफर? कैस्पर। कैस्पर या कैस्पर? कैस्पर। हेलो कैस्पर। हेलो, मेरे पास डेलमेशन। डेलमेशन एक डॉग है। ये क्या है? कुत्ता बद्दा तकिया लाओ, उसकी पीठ पे रखो, हड्डी हाथ में आ रही है। गोश्त है, हड्डी है। लो ओ भाई, ये तो चापे बनेंगे कि बड़े जबरदस्त। इमोशनल डैमेज। क्या कर रहे हो? जबरदस्त चापे हैं, अभी तो बताया है तुमने मुझे, खड़क क्यों बता रहे हो? कैस्पर शाजिल। कैस्पर शाजिल नहीं, बस सही है, फिर सही कहा था मैंने, सही कहा था ना मैंने, फिर कैस्पर शाजिल कहा था, मगर तुमने मुझे बोल दिया नहीं नहीं नहीं, तो अब वापस हम अपनी बात पे आ गए। कैस्पर शाजिल। हेलो शाजिल, शाजिल शाजिल क्या खाओगी? शाजिल आओ मेरी गोद में आ जाओ। क्या खाओगे? अच्छा गे आ जाओ। हाँ ठीक है, वो खुद भी शाजिल बोल रहे हैं उसको। ये तो तुम कह रहे हो ना, ये क्या कह रही है इससे कुछ? मैं शाजिल हूँ, अभी बोला उसे। उसको नहलाते क्यों नहीं होते? उसको नहलाता हूँ, खुद नहीं नहाता। बात कह रहे हैं तो खुद ही नहलाते, अभी एडिट करना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुमने एडिट किया ना, अगर तुम्हारा यूट्यूब को लेटर लिखूंगा, मेल लिखूंगा उन्हें, तुम्हारा चैनल बंद कर दूंगा।
एडिट नहीं करना इसमें, जो का तू प्रॉमिस करो जो का तू जाएगा, वरना मैं इंटरव्यू रोक दूँ। जो मैं बोल रहा हूँ और तुम जो सुन रहे हो ना और हम जो बातें कर रहे हैं, इस पर बहुत बहुत आएगी तुम्हारी व्यूज, क्योंकि नेचुरल बात है, ये बनावट नहीं है, उसको तुम पूरा लगा था, इस पर एडिट मत मार, प्रॉमिस। और अगर तुम्हें व्यूज़ नहीं मिले तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें लिख करने को तैयार हूँ। ये भी है और ये भी है, मेरे पास तो ये फ़ोन भी है, तुम्हारे पास है नहीं है ना, वी लॉगर हो के ये फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास, नहीं भाई पैसे नहीं। अच्छा मोबाइल आईफोन 6 15 6 इसमें कितना 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 का झूठ, ये 6 पे तुमने 15 की बॉडी चलाई हुई है। 15 बड़ी बुरी बात है, लोगों को धोखा नहीं देते, ये जो पीछे कैमरे लगे हुए चार के बाजार में मिलते हैं 300 रुपए के, 300 रुपए के मिलते हैं बाजार में। और ये जो तुमने केसिंग लिया है ये 1200 रुपए की है, और अंदर आईफोन 6 है। सबसे अच्छा तो शाजिल है, कहाँ गया शाजिल? शाजिल सामने हूँ मैं। शाजिल क्या क्या एडिट करेगा तू, कहाँ कहाँ से करेगा, ये तो एक सेकंड का निकलेगा बस। हेलो चाले भैया, सब कुछ एडिट करना पड़ जाएगा, धोखे से मैंने इंटरव्यू किया है, इसके 5 लाख रुपए कौन जमा कराएगा? मेरी कंपनी वाले मांगने आ रही है पैसे, ये जो कैमरा मैन है ना, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अच्छा तुम्हारे लिए 2.5 लाख डिस्काउंट में कर दिया। हाँ हाँ मैं इसके पैसे चार्ज करता हूँ सीरियसली, तुम एडिट करो या नहीं करो, तुम वैसे भी तुम्हें क्या बोलेंगे तुम्हारे व्यूअर्स कि इंटरव्यू कर रहे थे किसी अंकल का जो सेलिब्रिटी है और उनको टीवी में गुदगुदियाँ कर रहे थे। यू आर मच मोर इंटरेस्टेड इन माई सेल फोन देन योर इंटरव्यू। ये मोबाइल ऐसा है कि इस पर वीलॉग बना सकते हैं हम, तुम्हारे पास उड़ता है ये मोबाइल, ड्रोन है ये, हाँ ये ऊपर से वीडियो गिरा देना, उड़ा उड़ा क्यों फेंक के देखो, देखो उड़ उड़ेगा उधर जाके गिरेगा, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 11 लाख रुपए हो जाएंगे तुम्हारे, 5 लाख का मोबाइल भी है। अच्छा। और इस पेनल्टी के तुमने मेरे मोबाइल की बगैर दर्द की चुआ है 1 लाख रुपए 11 लाख हो गए भाई, ये कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसे थोड़ी तुमसे लूंगा। अच्छा ये 2 फोन पसंद है तुम्हें, ये ब्लैकबेरी की 2 है, ये भी तुम्हें नहीं मिलेगा मार्केट में, और ये है मेरा वीलॉगर फोन, ये तो मैंने यूट्यूब पे देखा ही है, ये यूट्यूब इसको देख के रिचार्ज सामान में छोड़ देना उड़ेगा। 1275 रुपये 1275 रुपये इसमें 1 75 फोन की बेइज्जती है, एक कर करके एक तुम्हें पता है लॉ के अंडर में तुमने मेरे फोन की बेइज्जती की है, इसके 1,75,000 रुपये का सू मैं तुम्हें कर दूँ, तुम सू कर लेना यहाँ से खुलता है क्या? शुक्रिया का हाथ है, इस पर तो ऐसा मत करो, तुम मुझे आईफोन 15 देने के लिए बुलाया, मैंने ये नहीं बुलाया यार, छोड़ो नहीं, नहीं थैंक यू यार, नहीं होगा कभी, बात सुनो यार, ये बस इंटरव्यू हो गया, लाओ फोन पैक कर दो, डब्बा भी ले आना यार, डब्बा ले आओ, देखिए वैसे जा रहा चलो डील हो गई, आईफोन तुमने मुझे दे दिया, इंटरव्यू मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने आप 5 लाख मांग रहे इस इंटरव्यू, नहीं मैं तो 1275 मांग रहा था, नहीं आपने 5 लाख नहीं, मैंने अभी तो 3 लाख बोला था, तुमने मुझे बताया कि मैं आईफोन भी दे रहा हूँ, ये नहीं मैंने बोला कुछ भी नहीं दोगे तुम मुझे, तो भाई इंटरव्यू खत्म करिए, तो कुछ भी नहीं देना, सब तो कर लिया, 6 लाख रुपए तो हो गए मेरे, बच्चों से तो मैं डबल पैसे लेता हूँ जो बगैर बताए करते हैं, इसको यार मुझे उड़ाने है, इसको फेंक दूँ, अच्छा यानी कि हमारा मोबाइल भी टूटेगा, हम इंटरव्यू भी फ्री में देंगे, नहीं आप अभी
एक दो यार तुम फेंक के तो देखो, चलो अगर ये टूट गया तो तुम्हारा नहीं टूटेगा मेरा, टूट गया तो तुम्हारा बिल्ली घोष ये हफीज भाई का बेटा है और ये इंतहाई अजीज है मुझे, और मैं मतलब बगैर बताए इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं उसको आप लोगों के सामने पूछ भी करूंगा। चले